हेलो एवरीवन। तो अगर आप लोग जानते हैं फिर से डॉज कॉइन हमें उम्मीद दे रहा है $1 की, यानी कि $1 डॉज कॉइन बहुत ही जल्द पहुंच सकता है। ऑलरेडी हम इसमें मूव देख सकते हैं, लगभग पिछले हफ्ते के अंदर 15-20% का इंक्रीज आ चुका है डॉज कॉइन में। तो एक्चुअल में डॉज कॉइन के फेवर में कई सारी अपडेट्स आई हैं, कई सारी न्यूज़ आई हैं। खासकर जब भी कोई भी अपडेट होती है ट्विटर को लेकर या फिर ट्विटर के ऊपर पेमेंट्स को लेकर, तो उसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि डॉज कॉइन से पेमेंट्स होने जा रही हैं बहुत ही जल्द। और ऐसी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली सामने आ रही हैं कि ट्विटर जो है वो तो एक्स बनेगा ही बनेगा, यानी कि एक्स के नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ इसके ऊपर पेमेंट्स भी डॉज कॉइन में हो सकती हैं, क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ किया जाएगा। तो एक्चुअल में इसमें सच्चाई क्या है वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि डॉज कॉइन का एक्चुअल प्राइस कहां तक जा सकता है और क्या क्या एक्चुअल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि $1 ये पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो वीडियो पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हमेशा नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉफ ट्रेड ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलने वाली हैं। तो अगर हम बात करें सिर्फ ट्विटर की, तो ट्विटर को एक्स के नाम से जोड़ा जा रहा है, x.com। इसका सबसे बड़ा लिंक है स्पेस एक्स के साथ और इसी के साथ इलन मस्क के साथ, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने भी अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है ट्विटर के ऊपर वो एक्स के नाम से लगा दी है। जल्द ही ये जो अपना बर्ड दिख रहा है ट्विटर के ऊपर, इसको भी एक्स से रिप्लेस करने वाले हैं। और इससे भी बड़ी चीज़, जो पहले ट्विटर ब्लू हैंडल था वो अभी एक्स ब्लू बन गए, यानी कि एक्स ब्लू सब्सक्रिप्शन के नाम से जाना जा रहा है। तो धीरे धीरे जितना कुछ भी है ट्विटर के ऊपर वो सब कुछ एक्स के नाम से ही जाना जाएगा। और ऑलरेडी इलन मस्क ने कई बार ये कह दिया है कि जो एक्स है वो सबसे बड़ा ब्रांड बनने वाला है अर्थ के ऊपर। तो इस वक्त जो इलन मस्क है या फिर लिंडा या स्रीनो है, वो लगातार अभी एक्स को ही प्रमोट कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि बहुत कुछ इसके ऊपर आने वाला है, जैसे कि ऑडियोज, वीडियोस, मैसेजिंग, पेमेंट्स, बैंकिंग और भी बहुत कुछ AI बेस्ड होने वाला है एक्स के ऊपर, जो कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो इन दोनों का अभी जो काम चल रहा है वो सिर्फ एक्स के ऊपर ही है कि ट्विटर को किसी न किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है। लेकिन इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो हमें सिर्फ डॉज कॉइन के ऊपर ही दिखने वाला है। यही कारण है कि हमने पिछले दिनों के अंदर डॉज कॉइन को देखा है 15% से भी ज़्यादा प्रॉफिट देते हुए, और इसी के साथ थोड़ा सा पंप हमें शिबा इनू में भी दिखा है। और डॉज कॉइन अभी 7th पोजीशन के ऊपर चल रहा है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, और इसका जो 24 आवर्स का वॉल्यूम है वो भी बढ़ना शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि ये बुल रन तो हो भी सकता है लेकिन फॉल्स बुल ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात तो करी जा रही है कि एक्स के ऊपर जो पेमेंट्स होने वाली हैं वो एम्पावर्ड बाय डॉज होने वाली हैं। तो एक्चुअल में उन्होंने सिर्फ यही कहा कि डिजिटल पेमेंट्स होने वाली है। अब डिजिटल पेमेंट से जब भी बात आती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डॉज के ऊपर ही हमें दिखता है। टोटल जो प्रॉफिट हमें मिला है लगभग 25% हो चुका है पिछले 15 दिनों के अंदर। लेकिन अगर हम मूविंग एवरेज, कन्वर्जन डाइवर्जेंस देखते हैं, यानी कि MACD इंडिकेटर देखते हैं, तो इसका मतलब ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि एक बुलिश इंडिकेटर दिख रहा है, हमें बाय सिग्नल मिल रहा है, हम यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फॉर श्योर हम इसको $1 तक देखने वाले हैं डॉज कॉइन को, जो हमें बहुत लंबे समय से ये एक्सपेक्टेड है। और जो कॉइन बेस के एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने भी बोला है कि डॉज कॉइन पेमेंट्स आने वाली हैं एक्स के ऊपर। उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि रोल आउट होने जा रहा है ट्विटर के ऊपर, जैसे ट्विटर की रीब्रांडिंग होगी एक्स के ऊपर पेमेंट्स भी डॉज कॉइन के द्वारा ही होने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि डॉज है वो एक यूनिट रहने वाली है पेमेंट्स करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इतना सुनते ही डॉज कॉइन का प्राइस एकदम से पंप हुआ, यानी कि डॉज कॉइन के ऊपर लोगों ने बहुत जोरों शोरों से ट्रेडिंग करी है। हालांकि मार्केट में अगर हम सेप्टेबिलिटी देखें तो जैसे बिटकॉइन के ETF की एप्लीकेशंस अगर अप्रूव होती हैं तो मार्केट और भी ज़्यादा बुलिश हो जाएगी। अब इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे जो पेमेंट्स होने वाली हैं वो क्रिप्टो करेंसीज हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉज का है ना। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे और भी तरह की डिजिटल करेंसीज आ सकती हैं। और एक और तरीका ये है कि एक्स के ऊपर कुछ पेमेंट ऐप्स भी इंक्लूड हो सकती है, जैसे कि एप्पल पे हो सकता है। तो पेमेंट्स बेसिकली यहाँ सिर्फ क्रिप्टो के ऊपर ही नहीं बात करी जा रही, तो किसी भी तरह की नई तरह की डिजिटल पेमेंट्स हो सकती हैं, जो कि कोई भी ब्रांड अपना नया एक प्लेटफॉर्म बना सकता है या फिर एप्पल पे जैसा जो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो डिजिटल पेमेंट्स अलाउ कर सकते हैं। तो हमें देखना यह है कि ये एक मौका है, इस मौके को हमने गंवाना नहीं है। अभी हम बाइंग करके रख लेते हैं तो लॉन्ग टर्म हमें फॉर श्योर अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन जितनी जल्दी ट्विटर को रीब्रांड किया जाएगा एक्स के नाम से, उतनी जल्दी पॉजिटिव अपडेट्स मिलेंगी, चाहे वो डायरेक्टली डॉज कॉइन को लेकर ना हो लेकिन इनडायरेक्टली डॉज कॉइन के ऊपर इंपैक्ट दिखेगा ही दिखेगा। और इसका जो मार्केट कैप भी इंक्रीज होगा और हमें इसके ऊपर अच्छे प्रॉफिट्स भी मिलने वाले हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शिबा इनू को कवर करने वाले हैं, कुछ और भी अपडेट्स डॉज कॉइन को लेकर, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।